हेलो फ्रेंड्स, आई एम निष्ठा पटेल एंड यू आर वॉचिंग निशार्थ आर्ट। आज हम बनाएंगे फैब्रिक पेंटिंग। उसके लिए हमें चाहिए फैब्रिक कलर, कॉटन क्लॉथ, ब्रश, पेंसिल, सीजर और फैब्रिक रिंग। सबसे पहले हम रिंग को खोल देंगे और जो पूरा पार्ट है उसके ऊपर कॉटन क्लॉथ रख के उसको अच्छे से फिक्स कर देंगे वहाँ पे। फिक्स करने के बाद फैब्रिक को थोड़ा खींच के टाइट कर लेंगे। सबसे पहले हम वार्लिक पेंटिंग बनाएंगे। उसके लिए हमें ब्लैक कलर और एक ब्रश चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम रहे तो आप पहले सिंपल एक ही कलर से पेंटिंग करना शुरू करें। सबसे पहले हम ब्लैक कलर से एक ट्रायंगल बनाएंगे और उसके नीचे दूसरा ट्रायंगल बना देंगे। उसको ब्लैक कलर से फिल कर देंगे। उसके बाद वी शेप में उसके दो पैर और दो हाथ बना देंगे और ऊपर एक लाइन खींच के राउंड सर बनाएंगे। यही प्रोसेस हम दोबारा करेंगे पर फीमेल वार्ली बनाने के लिए हमको उसके सर के ऊपर एक और हाफ सर्कल बनाना है। अभी हम वार्ली बॉर्डर बनाएंगे। उसके लिए हमें दो स्ट्रेट लाइन बनानी है और उसके नीचे हम ट्रायंगल शेप बनाएंगे। वार्ली पेंटिंग में ट्रायंगल शेप बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट फैब्रिक पेंटिंग इफ़ेक्ट के लिए येलो एंड रेड कलर ले लेंगे। दोनों कलर को हम एक बेस शीट में निकाल देंगे। अब हम एक फ्लैट ब्रश लेंगे, उसको दोनों कलर में हाफ हाफ डीप करेंगे, कुछ इस तरह से, एक साइड येलो और एक साइड रेड। अब उसको हम बेस में ही एक दो बार स्ट्रोक करेंगे। अब हम इसी ब्रश से लीव्स बनाएंगे। दो कलर का इफ़ेक्ट एक साथ आएगा। आपके ब्रश में कलर फिनिश हो जाए तो वही प्रोसेस दोबारा करना है और फिर उसको अप्लाई करना है। अब हम इसी प्रोसेस से फ्लावर बनाएंगे। नेक्स्ट फैब्रिक पेंटिंग इफ़ेक्ट के लिए एक कार्डबोर्ड ले लेंगे और उसको ट्रायंगल शेप में कट कर लेंगे।
अब हम इसको रेड कलर में डीप कर देंगे। कटआउट को हम फैब्रिक के ऊपर डैब कर देंगे। ये हो जाने के बाद हम ग्रीन कलर से एक लाइन बना देंगे नीचे की साइड पे। अभी इस वाटरमेलन इफ़ेक्ट पेंटिंग में ब्लैक कलर से सीड्स बनाएंगे। ये हमारे 3 डिफरेंट टाइप के फैब्रिक पेंटिंग हो गए हैं रेडी। आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।